फैसल भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आजकल के जो कपल्स हैं हाँ वो इतनी शादी इतनी धूमधाम से कर रहे हैं, 12-13 इवेंट होते हैं उनके माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो भाभी आपने कितना खर्चा कराया था शादी? हाँ हमारी शादी एक तो हुई रमजानों में भाई माशाल्लाह, ठीक है, और निकाह के बाद इफ्तारी हुई, सही है, ठीक है, मुश्किल से नहीं कोई... निकाह के बाद प्लान था कि मैं वापस घर जाऊंगी और फिर हम शादी का एक प्लान जो मेरे फादर ने शायद सोचा था कि इस तरह से, लेकिन निकाह के बाद तो फैसला है कि नहीं नहीं हम तो घर जा रहे हैं। और बहुत छोटी सी क्लोज घर मतलब में जो लोग थे, एक नादान बच्ची के साथ आपने ऐसा किया। 30 या 35 लोग होंगे बस, हाँ। बस यही होना चाहिए, होना ही चाहिए। तो आपने शेरवानी पहनी थी? नहीं, मैंने शलवार कमीज पहनी थी ऑफ व्हाइट कलर की, ठीक है, और बेगम ने ऑफ व्हाइट कलर, मैंने ऑफ व्हाइट कलर का खुद जाके निकाह से, क्योंकि सिंपल निकाह था, बहुत सडनली हमारा प्लान निकाह का हो गया, तो मैंने जाके खुद कपड़ा लिया, टेलर से स्टिच कराया, और इट वाज नो काम नथिंग, उसके ऊपर जस्ट मैंने एम्ब्रॉयड वो लेस लगवा ली और बस लाइक मतलब फैसल भाई की शादी टोटल मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 10K में वो सूट तैयार हुआ था, बस टोटल 15,000 में शादी की है फैसल भाई की फैमिली ने। नहीं 15,000 में तो नहीं खैर, लेकिन हाँ 60-70,000 में सब निपट गया, सब निपट गया भाई। वाह भाई भाई माशाल्लाह। चले शादी को हो गए 13 साल होने वाले ना माशाल्लाह। आप भाभी की 3 अच्छाइयां बताएं। 3 अच्छाइयां, एक तो उसूलों की बड़ी पक्की है, ठीक है, दूसरा जो मुझे एक फायदा हुआ ये सामने वाले को भी सेट कर देती है। अच्छा, तीसरी बात जिसकी जो बात है वो उसके मुंह पे है, पीठ पीछे नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ अब भाभी आप इनकी कोई 3 बुराइयां बता दें। मेरी 300 मैं 3 वो जो हाईलाइटेड हो। सबसे पहली जो ये मैं हमेशा कहती हूँ स्मोकिंग वाली, वो तो छोड़ दी भाई, क्या ये हो गया? छोड़ी नहीं है, नहीं, छोड़ दी, आपको तसल्ली दे रहे हैं, छोड़ दी, बिल्कुल नहीं, वो स्मोकिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये है। I'm on a, you know, और उसके बाद जिंदगी जो है आई थिंक इन्होंने 1/3 तो बाथरूम में गुजार दी है भाई, वहीं तो सुकून होता है, दिल की भड़ास बंदा वहीं निकाल सकता है। और दिल की, अब मैं क्या, हाँ सॉरी, हाँ और उसके बाद जब ये टीवी देख रहे होते हैं तो ना इनको कुछ सुनाई देता है, इनको नहीं दिखाई देता इन है, तीनों को, ये भी ये सारे ऐसे ही है। मुझे बहुत मसला होता है, मैंने कोई बात करनी होती ना तो मुझे ऐसे बात करनी पड़ती जैसे मैं आपको धमकी देने लगी हूँ, फिर बात सुनाई नहीं, नहीं, नहीं हमें आवाज ही नहीं आती। ये आप जान, ये हुआ, ये जब शादी हुई ना तो ऑब्वियसली कोई 15-20 दिन के बाद साना को बात कर रही थी, मुझे नहीं पता, सो इस बात पे थोड़े झगड़े हुए शुरू में कि मैं आपको ये कह रही हूँ आप सुनते नहीं है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है तुम क्या कह रही हो। तो ये सिलसिला खैर चलता रहा, आयत पैदा हो गई, आयत थोड़ी बड़ी हुई, तो इस दौरान हमारी काफी इस बात पे लड़ाई हुई कि मैं आपसे जब कुछ कह रही हूँ तो आप अटेंशन ही नहीं देते। आए जब थोड़ी बड़ी हुई और इसने टीवी देखना शुरू किया, देन शी रियलाइज कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि टीवी बंद करना पड़ता है और यहाँ तो इनको हिलाना पड़ता है या कुछ ना सुनाई देता ना दिखाई देता। क्या कर रहे हो तुम लोग घर में? अच्छा डोरा, आई वाज मैं शॉकिंग, तो मैं देख रही होती थी। हाँ बंद नहीं होता ना, अभी भी तुम ऐसे ही देखती हो। अच्छा भाई ये डोरा ऐसे देखती थी। अच्छा बच्चों के नाम किसने रखे? आयत का मैंने रखा था, उसके बाद तो मेरा प्लान था कि नो मोर, आई एम डन विद किड्स, ठीक है, तो एक बच्चे के बाद ही आई वाज लाइक आई एम डन, लेकिन फिर ऑब्वियसली बच्चों को हाँ सिबलिंग चाहिए होता है, तो जब फरमाई इन्होंने कहा, मैंने इनको खुद ही कह दिया था, मैंने कहा अच्छा अगर दूसरा हुआ ना तो उसका नाम आप रख लेंगे, ठीक है, तो वो मैंने खुद ही कह दिया था, तो वो फिर फरमान का फैसला है। लेकिन नाम बड़ा चुन के रखा है इन्होंने, हाँ आयत और फरमान, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। गेम खेल लें? आप खेल, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं सवाल जवाब के शो पे आया, इंटरव्यू हो रहा है, ये जरूरी है। आपकी शिकायतें आती थी, मैंने कहा फेस टू फेस बात हो। अच्छा नहीं, भाभी की तरफ से मेरी इतनी शिकायतें नहीं है। हाँ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो बड़ी मुश्किल से सही होता, परफेक्शन में चेंज जरा मुश्किल से आता है जी, पर दादाओं से चल रही होती है। हाँ एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे।
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।